सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइज, एपिसोड नंबर 5। तो अगर मैं बात करूँ कि इंटरमीडियंट फास्टिंग ने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी, तो बहुत ही एक मैं आपको सिंपल सी और इतना ज़्यादा मैं साइंटिफिकली नहीं जाऊँगा, सिंपल भाषा में ये बताऊँगा कि मेरी एक बॉडी एंडोमॉर्फ की बॉडी है। उसमें ये होता है कि जो भी आपका मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है एंड आपके अंदर फैट स्टोर हो जाती है, जिसके साथ आप ओबीज हो जाते हो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता है कि मैंने वहाँ पे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया कि आई यूज टू बी ओबीज पर्सन, मैं एक बहुत ज़्यादा ओवरवेट होता था एंड कैसे मैंने अपनी बॉडी को 95 kg से 67 kg तक लेके आया है एंड जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। उसमें से हमेशा इंटरमीडियंट फास्टिंग के लिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटरमीडियंट फास्टिंग के कारण ही मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आने के लिए मजबूर किया है, अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरी हमेशा इंटरमीडियंट फास्टिंग को ही दूंगा। जब आप ओवर ईटिंग करते हो, जो भी आप खाते हो वो एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है एंड इन द एंड आप ओवरवेट हो जाते हो और आपके जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड ऑल्सो जो भी आपकी एपेटाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मेरे को हर टाइम भूख लगती थी। जब भी मैं सुबह उठता था सबसे पहले मेरे को चाहिए होता था कि मेरे को कुछ खाने के लिए मिल जाए। मेरे को परौंठे खाने बहुत पसंद थे, मेरे को पिज़्ज़ा बर्गर सब मैं खाता था और मैं बिना फास्ट फूड के बिना कुछ खाए पूरे दिन में नहीं रह सकता था। सुबह उठते मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए, फिर उसके बाद एक घंटे बाद फिर भूख लग जाती थी, शाम में भूख लग जाती थी एंड इवन रात का डिनर करने के बाद भी मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए था, उसके बिना मेरे को नींद नहीं आती थी। तो हर टाइम खाना, तो मेरा एपेटाइट बहुत ज़्यादा था और मेरे को ये कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं आता था। क्या हुआ? तो जिसके कारण मैं खाता रहता था, ओवर ईटिंग होती रहती थी और वो कन्वर्ट होगी मेरे फैट में। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी, ड्यू टू इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने ओवर ईटिंग करना छोड़ दिया एंड साथ में जो भी मेरे अंदर बॉडी के अंदर फैट स्टोर थी वो फैट को एज एनर्जी में यूज़ करने में। इंटरमीडिएट फास्टिंग करता क्या आपकी बॉडी में? बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक ये चीज़ है कि आपको सिर्फ एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको खाना खाना है, ना उसके पहले फिर आप कुछ खा सकते हो ना उसके कुछ बाद खा सकते हो। आपको एक फास्टेड स्टेट में रहना पड़ता है फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। मैं करंटली अभी जो फास्टिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 16/8, 16 घंटे मैं फास्ट करता हूँ एंड सिर्फ 8 घंटा जो मेरे को मिला है उसमें मैं अपना पूरा मील्स कंज्यूम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, सब लोग आज के टाइम पे जब भी हम सोते हैं तो वो एक फास्टेड स्टेट में रहते हैं। हम लोग क्यों सोते हैं? मसल्स की रिकवरी के लिए। जब भी हम रात में सोने जाते हैं तो हमेशा आपने सुना होगा डॉक्टर से या हर एक एथलीट से, फिटनेस एक्सपर्ट से, कि आपको कम से कम 8-10 घंटे की नींद लेनी चाहिए ताकि आप अच्छे से रिकवर हो पाओ। तो वो जो सोने का टाइम होता है वो भी हमारा एक फास्टेड स्टेट होता है, उसमें हम कुछ नहीं खाते, हम डायरेक्टली सोते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है। हमारी बॉडी हमारे कार्ब्स को यूज़ करती है, ग्लाइकोजन एंड ऑल प्रोटीन वगैरह सब चीज़ों को यूज़ करके हमारी बॉडी अंदर फंक्शन कर। एक टाइम आने के बाद बॉडी के पास इतना इनफ प्रोटीन या इतना इनफ कार्ब्स नहीं होते कि वो हमारी बॉडी को रिकवर कर पाए, तो फिर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारी बॉडी अटैक करती है फैट पे। तो फिर हमारी बॉडी है जो वो फैट को यूज़ करना शुरू कर देती है एज अ फ्यूल। तो ये काम होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग का। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब आपकी बॉडी आपकी फैट को यूज़ करने लग जाए एक फास्टेड स्टेट में फॉर यूजिंग इट एज अ फ्यूल, देन फिर आप बॉडी फैट परसेंटेज है वो लो होना शुरू हो जाती है। तो ये मेरा मेन रीज़न था फास्टिंग करने का। प्राइमरी रीज़न तो यही है कि जो भी आपका जो भी बॉडी फैट परसेंटेज है उसको कम करेगा, पर दूसरा ये आपको डिसिप्लिन में लेके आ पाएगा। जो भी आपकी एपेटाइट आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे, आप अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे और आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप कोई भी चीट मील नहीं खाओगे। ध्यान से समझना, जब आपके पास सिर्फ खाने के लिए 8 घंटे हैं एंड वो 8 घंटों में आपको 2200 से लेकर 2400 कैलोरीज जो कि मैं खा रहा हूँ उतनी कंज्यूम करनी है, तो आपको उसको अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे 8 घंटों में ताकि आप ऑल द टाइम पेट आपका भरा रहे और आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खाना खाता हूँ, इसके पहले भी नहीं कुछ खाता हूँ और 7 बजे के बाद भी कुछ नहीं खाता हूँ, फिर बाकी सारा टाइम मेरा फास्टेड स्टेट में रहता है। तो मैंने पर्सनली अपनी मील्स को डिवाइड किया है। ओवरऑल सुबह 11 बजे उठ के जब मैं अपना ओट्स मील खाता हूँ तो ओट्स में इतना ज़्यादा फाइबर होता है
जिससे कि वो हेल्प करता है आपकी एपेटाइट को अच्छे से कंट्रोल करने में। जब आपने 11 बजे एक मील खाया देन फिर ऑटोमेटिकली आपको अगले 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो फिर मैं सीधा 1 से 2 बजे के बीच में मैं पीता हूँ अपना प्रोटीन शेक। जो लोग भी प्रोटीन शेक पीते हैं दे नो इतना टफ है कि वो प्रोटीन शेक पीने के बाद दोबारा कुछ खाना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक मैं बोलूँगा हैवी होता है जिसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो ऑलरेडी 11 बजे का मील खाने के बाद तो मैं फुल था, पर फिर भी मेरे को जल्दी से 2 बजे मील खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 बजे तक का टाइम है सारे मील्स कंज्यूम करने का। तो फिर 2 बजे मैंने शेक पी लिया और मैं तो पहले से इतना फुल था, अभी 2 बजे शेक भी पी लिया तो फिर मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। 3:30 या 4 बजे जिम चले जाता हूँ ताकि मैं अपना वर्कआउट कर पाऊँ। 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करने के बाद घर आते ही मतलब 5:45 मैं अपना तीसरा मील कंज्यूम करता हूँ जो होता है टोफू सैंडविचेस। फिर जैसे मैंने 5:30 टोफू सैंडविच खा लिया मेरा पेट फिर से फुल हो जाएगा और मेरे को दोबारा कुछ खाने का मन नहीं करेगा। और जितनी देर में मैं वो मेरे एडजस्ट हो गए थोड़ा अंदर जाके बैठेंगे इतनी देर में मेरा टाइम हो जाता है लास्ट मील कंज्यूम करने का, 7 बजे वाली मील जो है मेरा घर का खाना। फिर 7 बजे वो खाना खाने के बाद मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुल हो जाता हूँ और इवन दो मेरा एक टाइम पीरियड आ जाता है कि मैं अब इसके बाद कुछ खा नहीं सकता हूँ। फिर आप ये सोचो कि अगर आपके पास सिर्फ ये 8 घंटे खाना खाने को है, आप वो 8 घंटे में आप मुश्किल से जो भी आपका गिवन प्रोटीन होता है जिसको आपको कंप्लीट करना है वो ही खा पा रहे हो, तो उसके अलावा आप चीट मील कैसे कर सकते हो। जब आप एक डिसिप्लिन में आ जाते हो ना कि आपको सिर्फ इतने टाइम से लेकर इतने टाइम के बीच में ही खाना है, तो आप मुश्किल से सिर्फ वो ही खाना खा पाते हो। आप वो भी खाना खाने को भी आपको दिक्कत होती है तो आप चीट मील कैसे कर पाओगे। तो ये लाइफ हैक से मैंने अपने चीट मील्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैंने कोई भी बर्गर, कोई भी पिज़्ज़ा, कोई भी घर का परौंठा, कुछ भी ये चीज़ मैंने कंज्यूम नहीं करी है फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months। और ना मेरे को भूख लगती है ना मेरी अभी एपेटाइट इतनी ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आप एक चीज़ को कंटिन्यू करते हो वो धीरे 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 आपका लाइफस्टाइल उसमें चेंज हो जाता है एंड जो भी आपकी एपेटाइट है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। अभी मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं डाइट करके इंजॉय नहीं कर सकते, पर मैं अपने फूड्स को इतना ज़्यादा टेस्टी बनाता हूँ और इतना ज़्यादा मतलब उसमें मैंने प्रोटीन और फाइबर एंड कार्ब्स और फैट्स की क्वांटिटी प्रॉपरली मेजर करके रखी है ताकि मेरे को मेरा प्रोटीन भी पूरा मिल पाए, कार्ब्स भी पूरे मिल पाए जिससे कि मैं थ्रू आउट द डे एनर्जाइज्ड रह पाऊँ एंड गुड फैट्स भी मिल पाए जिससे मेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो सब चीज़ें अगर आप प्रॉपरली मैनेज करोगे, अच्छे से क्वांटिटी में मेजर करके हर एक चीज़ खाओगे और एक गिवन टाइम पीरियड में आप खाओगे ना, तो आपको अपनी एपेटाइट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंड साथ में आप फैट बहुत जल्दी लूज कर पाओगे। एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताने आओ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अभी हम जाएंगे अपनी मील खाने और मील खाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। आई वॉन्ट टू मैंशन सम टिप्स। बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट फास्टिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, पर आप बेसिकली 2-3 चीज़ें कर सकते हो। आप अपने फास्टिंग पीरियड में पानी पी सकते हो, दूसरा आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, थर्ड आप ग्रीन टी पी सकते हो विदाउट एनी शुगर विदाउट एनी मिल्क ओनली विद वाटर। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए जब भी आपको भूख लगे। तो अगर आप वो टाइम पीरियड में पानी भी पी लोगे ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, मेरे को पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैंने पानी पीना इसलिए शुरू किया है बहुत ज़्यादा 3 से 4 लीटर इसलिए शुरू किया है ताकि मैं अपनी भूख है उसको दूर कर पाऊँ। जब भी मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ मेरे को ब्लोटेड थोड़ा फील होता है, तो वो टाइम पे अगर आपको ब्लोटेड फील हो रहा है मेरे को लगता है कि अच्छी बात है आप कुछ खा नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं ये चीज़ें टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूज़ करता हूँ, ये भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। बट मेक श्योर हमेशा थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करो एंड साथ में अगर आप फास्टिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर स्टार्टिंग में धीरे 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 वो अपने टाइम को इंक्रीज करो फास्टिंग के टाइम को। डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि अगर आपने सिर्फ फास्टिंग कर ली आपका जो लाइफस्टाइल है वो सही हो जाएगा। फास्टिंग आप इसलिए कर रहे हो ताकि जो आप बॉडी फैट परसेंटेज को लो कर पाओ एंड दूसरा आप अपनी बॉडी को एक अपने माइंड को एक डिसिप्लिन स्टेट में लेके आ पाओ ताकि आप ओवर ईट ना कर पाओ एंड सेकेंडली आप कोई भी चीट मील ना खाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ 8 घंटे मिले खाने को आप पूरा ठूस ठूस के खाते रहो, ऐसा नहीं करना है आपको। डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फैट लॉस करना है मेक श्योर 100-200 डेफिसिट में आप खाना खाओ एंड साथ में जो भी आपका बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन आप पूरा कर रहे हो एंड साथ में स्टेप्स वगैरह भी कंप्लीट करो। मैं पर्सनली 10-12,000 स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जो भी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है उसको लो करने में। तो ये चीज़ें आपको साथ में करनी पड़ेगी तभी आप एक प्रॉपरली जो भी आपके दिमाग में वो इमेज बनी है कि मेरे को यहाँ पे रीच करना है तभी आप वहाँ पे पहुँच पाओगे। जो भी करोगे मेक श्योर आप ध्यान से करना
एंड धीरे 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 हर एक चीज़ करना, कभी भी कोई चीज़ को एकदम से ओवर लिमिट या ओवर यूज़ नहीं कर देते। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी, अच्छी लगी, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, एंड ये वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, सबके साथ शेयर करो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास पहुंच पाए। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं वो जो सिर्फ आपकी ओबेसिटी के कारण है, तो अगर आप एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे, आपकी बहुत सारी बीमारियाँ जो आपको पता भी नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर है, वो सब इससे दूर हो सकती है।